स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पहले ए का देखते हैं, ए को करते हैं। ए इज इक्वल टू कॉलेज है ना, कॉलेज में देखो सी कॉमा ओ, एल दो बार है तो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। ई एक बार लिखा जी, ई वापस से रिपीटेड है तो सो इधर रिपीटेड टर्म्स नहीं आते, तो ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ ए कितना है, 1 2 3 4 5 ओके। अब बी निकालते हैं, ये ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, मस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है मैरिज ना, एम ए आर आई, एक बार हो चुका है, फिर जी लिखा, फिर ई, ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6। फिर सी देखते हैं, सी क्या है, लगेज ना, एल यू जी, सेकेंड टाइम जी ये नहीं आएगा, ए लिखेंगे, फिर जी है वापस से, फिर जी नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अपन, ई लिखेंगे ओके। फिर नंबर ऑफ सी कितना है, 1 2 3 4 5 ठीक है। सॉल्व करते हैं, वेरीफाई क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो बी के सारे टर्म्स, सी के सारे टर्म्स उसमें आने चाहिए है ना। स्टार्ट करते हैं, बी की क्या है, एम ए आर आई जी एंड ई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं डिफरेंट जो रहेगा वही लिखेंगे, एल यू जी एक बार आ चुका है, ए भी है एक बार और ई भी एक बार है, ठीक है। तो ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद देखो यहाँ के टर्म्स क्या है, बी माइनस ए, अब ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो क्या होगा, जो इसमें जो सारे प्रॉपर्टीज है, जितने एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें नहीं होंगे वो वाले इसमें आएंगे, ठीक है। तो क्या है देखो, सी ओ एल ई जी ना, तो इसमें सी ओ तो कहीं भी नहीं है ना, एल ई और जी ये तीनों एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या आएगा, सी ओ हो गया ये। उसके बाद देखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, अब क्या होगा, ए में जो भी है एलिमेंट जो बी में नहीं हो वो वाले इसमें आएंगे, ठीक है। तो क्या एल, एल इधर पे है, यहाँ पे एल नहीं है ना, देखो एल है नहीं है, ई है, ई कट गया, जी है, जी कट गया, बचा कौन, सी ओ एल है ना। तो इधर पे क्या लिखेंगे अपन, सी ओ एल, सी ओ एल हो गया। अब उसके बाद फाइंड करते हैं ए माइनस सी, ए माइनस सी करते हैं ये दोनों टर्म्स, ये ए है और ए सी है, इसमें से माइनस करते हैं। ए माइनस सी मतलब ए में जो डिफरेंट है सी वाले नहीं देखेंगे, ठीक है। एल है, जी है, ई है, हो गया। तो बचा क्या, सी ओ है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, इज इक्वल टू सी कॉमा ओ। ईजी चैप्टर है बट थोड़ा लेंदी है, तो फिर धीरे धीरे करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा पूरा। अब देखते हैं, अब पूरे इक्वेशन को मैं यहाँ पे साथ में लिख रही हूँ अभी मैं, ए माइनस
ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सॉल्व करते हैं दोनों का। अगर इंटरसेक्शन किया तो क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स है वो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें दोनों में, देख लो सी और ओ है ना, एल तो डिफरेंट है, सी ओ दोनों क्या है कॉमन फैक्टर है। तो आंसर क्या आएगा इसका, इज इक्वल टू सी कॉमा ओ। अब देखते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आया है ना, इसको वेरीफाई कर लिया ना, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमने प्रूव कर लिया ना, इसको वेरीफाई कर लिया, ए माइनस सी भी ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखते हैं। 4 तक हमने सॉल्व कर लिया, सो 5 को देखते हैं क्या लिखा हुआ। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 और सी दिया हुआ है 4 5 6 7 8 एंड यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 10 एंड वेरीफाई करना है ये जो 7 टर्म्स थे सबको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो 1 by 1 सबको वेरीफाई करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख ले रही हूँ, फिर 1 by 1 हम इसको वेरीफाई करते हैं। चलो लेट्स गो, नोटबुक में चलते हैं। हेलो गाइस, तो क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, देखो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 सी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 और एक्स इज इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, एक्स क्या है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब ये सारे इसके अंदर आएंगे, यूनिवर्सल सेट यू हम लोग लिखते हैं ना, यू से डिनोट करते हैं भाई। तो पहले क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले ये टर्म फाइंड करेंगे, फिर ये टर्म, सारे टर्म्स पहले फाइंड करेंगे, देन आफ्टर हम लोग को रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें ऐसे पहले से बना दूँ ताकि वीडियो में टाइम कम लगे। ठीक है, देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी के एलिमेंट जो सी में कॉमन है, देखते हैं 3 4 5 6 है और सी में क्या है भाई 4 5 6। देखो क्या क्या कॉमन है, 4 5 6 4 5 6। ठीक है, तो अब इसमें आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4 5 6। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी देखो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, बी में एक्स्ट्रा क्या है 5 and 6। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 and 6। वन टू थ्री फोर फाइव कॉमा सिक्स हो गया, वेरी क्लोज। अब देखते हैं ए यूनियन सी, ए क्या है देखो 1 2 3 4 5 सी 4 उधर 4 तक है ए में, 4 5 6 7 8 तक है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे 8 तक लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हुआ इतना। अब देखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इधर पे निकाला, अब ए के साथ क्या करेंगे अपन यूनियन करेंगे, तो क्या
वन टू थ्री फोर और ये फाइव और सिक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स रखे क्लोज। उसके बाद क्या देखना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखते हैं ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन सी ये है, इंटरसेक्शन सिक्स तक का टर्म है ना, सेवन एट नहीं है। देखते थे मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा उसका पीडीएफ बना के एक साथ प्रोवाइड कर दूंगी, सो आपको इजी होगा देखने के लिए। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव प्रूव हुआ, देखो दोनों इक्वल है, आ रहा है। देन दे लिखेंगे इसलिए, इसको इसलिए दैट्स वाई, समझ गया, इसलिए बोलो या दैट्स वाई बोलो, बोथ आर सेम, नो आर्ग्यूमेंट्स। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी इधर का ये टर्म है, उसको फाइंड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी। बी यूनियन सी को फाइंड करते हैं, यूनियन करेंगे इधर पे फोर फाइव सिक्स तक था, सिक्स के आगे का सेवन एट नाइन पूरा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के कॉमन फैक्टर्स जो है वो लिखेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, थ्री फोर बोथ आर कॉमन है ना। अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे थ्री कॉमा फोर। अब ए और सी के कॉमन फैक्टर क्या है, ए और सी के देखते हैं, ए वन टू थ्री फोर सी के फोर। फोर इसके भी, इसमें भी फोर है, ए और सी में कॉमन क्या है, ओनली फोर। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर देते, इसको और इसको इंटरसेक्शन किया तो कॉमन क्या आया अपना, देखते हैं। इसको इंटरसेक्शन करते तो क्या लिखते, कॉमन वाला चीज़ लिखते ना जो दोनों में कॉमन हो, तो ये ए है और ये बी, ए बी यूनियन सी। कॉमन क्या है, थ्री एंड फोर, देखो यहाँ भी कॉमन है थ्री एंड फोर है ना, बाकी फाइव सिक्स तो यहाँ पे दिया ही हुआ ही नहीं है, तो फिर कॉमन क्या है, थ्री एंड फोर। बच्चा कोई भी इशू हो तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, मैं ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगी। अब देखते ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, देखो क्या क्या है इसमें, थ्री फोर और यहाँ पे फोर, तो जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, थ्री और फोर ही आएगा ना, थ्री कॉमा फोर। प्रूव हो गया कि बोथ आर सेम, सो इसलिए दैट्स वाई ए इंटरसेक्शन ए बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हेंस चलो
चलो नेक्स्ट, अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है, क्या उसने पूछा हुआ है अपने से। बोला ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। मैं सारा बार बार वापस वापस कर रही हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, सो ताकि तुमको समझ में आए बार, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो। टेंथ में किया था, ध्यान दिया नहीं दिया, अब ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी। ये देखो क्या है, 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 6 एक्स्ट्रा करके लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5 6। अब डैश निकालते तो क्या करते हैं, जो ये एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ये देखते हैं अभी, ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको देखते हैं। उधर 6 तक आया हुआ है, फिर डैश में तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। क्या आएंगे, 7 8 9 and 10, राइट। अब ए डैश निकालते तो क्या होगा, ए के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे आएंगे। ए के एलिमेंट छोड़ा तो क्या आया अपने पास, 4 तक है ना ए में, उसके बाद का 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे लिख देते, कॉपी पेस्ट मार देते, 5 6 7 8 9 10 हुआ। अब बी डैश, बी डैश में क्या होगा, 3 4 5 6 इतने को छोड़ के बाकी सारे अपन लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं, ये 3 3 4 5 6 है, 3 4 4 इधर नहीं, यहाँ से 3 4 5 6 इतने को छोड़ देंगे अपन, है बाकी सारा अपन लिख देंगे वापस यहाँ पे, बाकी सारा रिपीट पर लिख देंगे ताकि पूरा हो जाए क्वेश्चन। क्या है, 1 2, देखो 1 2, आगे क्या है, 7 8 9 and 10, डन। देखो डन हो गया है ना। अब क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश का यूनियन निकाल देंगे, है ना। ए डैश बी डैश का यूनियन निकालते, ए डैश इधर है, बी डैश यहाँ पे, यूनियन क्या, तो 1 2, ओ सॉरी ये इंटरसेक्शन है, मैंने यूनियन बोल दिया, तो यूनियन ही इंटरसेक्शन आएगा। तो इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो सारे यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या कॉमन फैक्टर है, 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 9 10, डन, प्रूफ हो गया। देखो बोथ आर सेम, ये देखो और ये देखो, बोथ आर सेम, सो क्या होगा, दैट्स व्हाई ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हेंस प्रूफ। भैया जी स्माइल, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, 3 4 3 4, ये हम लोगों ने पहले भी निकाल लिया, पर मैं फिर से कर रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश में क्या होगा, 3 और 4 नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे। 3 और 4 को छोड़ दिया तो क्या रह गया, 1 2 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 5 6 7 8 9 10। ए डैश क्या होगा, ए के एलिमेंट छोड़ देंगे बाकी सारे आएंगे, तो क्या आएंगे,
ए में क्या है, फोर तक है, उसके आगे का आएगा, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अब बी डैश का क्या है, बी के एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स आएंगे। बी के एलिमेंट्स कौन है, थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, थ्री फोर फाइव सिक्स को छोड़ दिया, थ्री फोर फाइव सिक्स छोड़ दिया, तो क्या आया, वन टू सेवन एट नाइन टेन, वन टू सेवन एट नाइन कॉमा टेन हुआ। अब इस इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो क्या आएगा, वन टू फिर ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, देख रहे हो, बस करते जाओ, जो भी टर्म्स कंडीशन बोला बस अप्लाई करते जाओ, वो तुरंत ऑटोमेटिक खुद ही सेम हो जाएगा, आपको सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती सेम नहीं होगा, ठीक है, जैसे लिखा हुआ बस वैसा करते जाओ। देखो ये जो है इसकी सेम आ गया ना, देख रहे हो, डिटो सेम लग रहा है ना, तो क्या होगा, दैट्स वाई, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, हेंस रूल। जैसे मैंने अंडरलाइन किया ना, अभी ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो, पेंसिल से करो, या फिर जो जो पेन यूज़ कर रहे हो उसी पेन से कर दो, पेन चेंज नहीं करना होता है, आप बोर्ड के कैंडिडेट हो, ठीक है, एक ही पेन से पूरा, सॉरी एक ही पेन से पूरा लिखना होता है, और चाहे तो कर भी सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर टीचर्स। ए इंटरसेक्शन बी, पहले वो निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए पहले बी डैश भी निकाल लेंगे, देन आफ्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी किया तो दोनों में कॉमन, थ्री फोर थ्री फोर थ्री कॉमन फोर, थोड़ा इसको फटाक से कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ने ये बाकी सम्स में बहुत डिटेल में कर लिया है। अब बी डैश देखते हैं, बी डैश में थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं आएंगे, देखो यहाँ पे बॉक्स भी मैंने बनाया हुआ है ना, थ्री फोर फाइव सिक्स वो पहले सम किया था उसका बॉक्स है, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे क्या आएगा फिर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर, सेवन एट और नाइन कॉमा टेन। अब ये दोनों का ए इंटरसेक्शन बी डैश करते हैं, ए में क्या है, वन टू थ्री फोर, उधर चार तक है, फोर तक, उसके देखते हैं बी में क्या है, वन टू है, ठीक है ना, दोनों का इंटरसेक्शन करना, सॉरी अब ये निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये बी डैश अपन ने निकाला, इसमें कितना तक है, देखो फोर तक है ना, तो इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होता है वही आता है, तो क्या आएगा, वन टू, बस हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखते हैं इसको क्या होगा, इन दोनों को, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, वन टू और थ्री फोर ना, वन टू थ्री कॉमा फोर हो गया। अब देखते हैं एक ए में कितने एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स अपन निकाले ना, क्या है, वन टू थ्री गिवन है ये, हाँ देखो ये इसके कॉमन आ गया, तो फिर क्या लिखेंगे, दैट्स व्हाई ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो हो गया ना, थर्ड देखते हैं, थर्ड मतलब सिक्स देखते हैं, थर्ड तो हो गया अपना सिक्स,
मैं लिखना भूल गई थी, सो अभी देखते हैं। पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन फैक्टर 3,4 है ना, 3,4। अब ए डैश निकालेंगे, ए के एलिमेंट छोड़ देंगे, इधर तक के छोड़ देते, क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। ए डैश निकाला, ए अब ए डैश इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी में देखो क्या क्या है जो ए डैश में है, ये 5, 6, यहाँ भी देखो 5, 6 है ना, 7 बी में है ही नहीं है ना, तो क्या आएगा इधर पे 5,6, 5,6। अब इसको फाइंड करते हैं, इन दोनों का आप यूनियन कर देते तो क्या आएगा 3, 4, 5 और 6। और बी का क्या दिया हुआ है अपने को, बी बी लिख लेती हूँ मैं इधर पे, जो बी का जो भी दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है इधर 3, 4, 5 और 6। देखना मैं झूठ नहीं बोलती है ना, लाओ देखो दोनों भी सिमिलर हो गया। सो यहाँ पे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, हेंस प्रूव्ड। या जी करेंगे स्माइल। चलते हैं नेक्स्ट, सेवेंथ सम के पास चलते हैं, सेवेंथ लास्ट बचा हुआ है। अब देखते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मैंने पहले फाइंड कर रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हुए। फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3, 4 टू नंबर्स हुए। अब फाइंड करते हैं ये दोनों इक्वल होता है या नहीं, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी है 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है 4 प्लस नंबर ऑफ बी 4 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, ठीक है। देखते हैं 6 इज इक्वल टू 4 हो गया 8 माइनस 2 6 इज इक्वल टू 6, हेंस प्रूव्ड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए। देखो सम मैंने लिख दिया हुआ है इधर पे, सारे जो जो दिया हुआ है वो लिख दिया है गिवन, और फाइंड आउट क्या करना है वो भी लिख दिया है, ठीक है। और ये जो फार्मूला है वो भी लिख दिया है मैंने। नंबर ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश को अगर लेस कर देंगे तो आ जाएगा, ए यूनियन बी डैश कन्वर्ट होता है इससे, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश में क्या आता है, जो प्रोडक्ट ए में नहीं होते, बी डैश में क्या आता है, जो बी में प्रोडक्ट नहीं होते, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है। एक कॉमन भी कह सकते हो, बट यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है, इफ़ मेरे को याद है तो मैं कर सकती हूँ, वरना मैं उस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाऊँगी। तो नंबर ऑफ एक्स दिया हुआ है 50, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 5, तो आंसर कितना आया नंबर ऑफ ए यूनियन बी का 45 हो गया। अब सेकंड वाला मैं दिखाती हूँ, इधर पे देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसका ये फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि हमने यूनियन फाइंड आउट कर लिया है ना, 45 आ गया ना, तो इस फॉर्मूला में बस पुट आउट कर देंगे तो हो जाएगा। फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 35 प्लस नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 20, लेस कितना करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी को लेस करना है कितना है 45। अब करते हैं 35 प्लस 25 ये कितना होगा 55 लेस 45, आंसर कितना आएगा करो
10 आएगा, है ना। नेक्स्ट देखते थर्ड, थर्ड में क्या पूछा है, मैंने ये गलती से ऊपर लिख दिया, सो माइंड करना और इसको नीचे कॉपी करना और क्वेश्चन ऊपर लिखना, ठीक है। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। ए इंटरसेक्शन बी इधर पे फाइंड किया अपन ने, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो ए डैश आ जाएगा, ठीक है। ये भी अपना वो है, क्या कहते हैं, लॉ कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि अपना रूल है, प्रॉपर्टी से तो आएगा नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है अपने को, 20, और ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 10 आया ना, तो लेस कर देंगे 10, तो आ जाएगा इधर 10 नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब इसका थोड़ा सा अपोजिट करेंगे तो ये भी आ जाएगा, लाइक इसमें हम लोग को नंबर ऑफ, हम लोग को ए डैश चाहिए था तो नंबर ऑफ बी में से माइनस किया, अब यहाँ पे हम लोग को बी डैश चाहिए तो नंबर ऑफ ए से माइनस करेंगे, तो नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 35, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, 10 आया है, आंसर कितना आएगा, 25। अब यहाँ पे सारा आंसर लिख देंगे, एक हैबिट रखो क्वेश्चन का सारा आंसर एक साथ लिखने का, वो जहाँ तक आपको हैबिट हो गई होगी क्योंकि 10th में तो लिखा ही होगा। सो पहले का क्या आया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, उसका आंसर क्या है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, 45, है ना। उसके बाद है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसका कितना आया, 10। उसके बाद है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, उसका कितना आया, इसका भी 10 आया है। फिर लास्ट है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका है 25। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिल से शुक्रिया, और नेक्स्ट बने रहो मेरे साथ ही, मैं इसका पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, सो आपको अच्छा होगा अगर आपको लिखना होगा तो, और कोई भी अगर इश्यूज़ है, कोई भी क्यूरीज है तो वो मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।